लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हैंडलूम सेल की आड़ में एटीएम के क्लोन बनाकर ऑनलाइन ठगी का कारोबार चला रहे दो शातिर बदमाशों को खंडवा पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एटीएम के क्लोन भी जब्त किए गए हैं। खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने इसका खुलासा किया। लंबे समय से पीड़ित लोग शिकायत कर रहे थे कि उनके बैंक खाते से अचानक बड़ी राशि कोई उनकी जानकारी के बगैर निकाल रहा है। खंडवा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिरों को धर दबोचा। ये बदमाश हैंडलूम सेल की आड़ में ठगी का गौरख धंधा चला रहे थे। इन बदमाशों ने एटीएम कार्ड के क्लोन बनाकर अब तक लोगों को करोड़ों की चपेट लगाई है। एसपी डॉक्टर दीनदयाल सिंह ने बताया कि लंबे समय से एटीएम से पैसे निकाले जाने की शिकायतें मिल रही थी। इस मामले की गहन पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश का निवासी आबिद अंसारी व भोपाल का कार्तिकेन मास्टरमाइंड है। डॉक्टर शिव ने बताया, आबिद मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के बाहर कई नगरों में हैंडलूम सेल लगाकर कारोबार करता रहा। इसकी सेल से सामान खरीदने वाले जब एटीएम से पेमेंट करता तो वह एटीएम स्किमिंग डिवाइस से एटीएम को स्वाइप कर उसका डाटा चुरा लेता था। वहीं कार्तिकेय इस डाटा को डिकोड कर नकली एटीएम बनाकर अलग अलग जगहों के एटीएम मशीन से पैसे निकाल लेता था। इन बदमाशों ने एटीएम कार्ड के क्लोन बनाकर करोड़ों रुपए की चपेट लोगों को लगाई है। इन पैसों से इन लोगों ने भोपाल में एक शॉपिंग मॉल, मकान और एक फ्लैट भी खरीद लिया है। पुलिस को शक है कि इन शातिर बदमाशों के साथ कोई बैंक अधिकारी भी शामिल है। उधर जब ठगी की वारदात की जानकारी उन लोगों को लगी जो इनके शिकार हुए हैं तो वे सहम गए। पीड़ितों का कहना है कि वे ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। जब इतनी सुरक्षा के बावजूद एटीएम का क्लोन बनाकर ठगी की जा रही है तो फिर एटीएम रखने और उसके इस्तेमाल के बारे में कई बार सोचना पड़ेगा। खंडवा से संजय चौबे की रिपोर्ट। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।